जीवन में शिक्षा प्रकाश पुंज है, जिसके अभाव में जीवन अंधकार में नजर आता है। वहीं बेटियों को पढ़ाने और आगे बढ़ाने की पहल देश के लिए मील का पत्थर है, जिसे किर्लोस्कर ग्रुप पिछले कई वर्षों से निभा रहा है। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर इस वर्ष भी नेशनल चैम्बर, आगरा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किर्लोस्कर कंपनी ने होटल क्लार्क श्राज में 12 कन्याओं को शिक्षण सामग्री बांटकर उनकी शिक्षा को गतिमान रखने में सहायता प्रदान की। इस दौरान कंपनी ने साइकिल भी भेंट की। वहीं बैकुंठी देवी कॉलेज से रिटायर शिक्षिका डॉक्टर विजय लक्ष्मी का भी सम्मान किया गया, जहां किर्लोस्कर ग्रुप के संजय ग्रोवर ने बालिकाओं को पढ़ने में सहयोग की बात की और निरंतर कार्य करने का संकल्प लिया। तो वहीं चैम्बर अध्यक्ष राजेश गोयल ने कहा कि आज बड़ा शुभ अवसर है, जब शिक्षक दिवस पर शिक्षिका और शिक्षार्थियों का एक मंच पर सम्मान किया गया है। हम एक प्रोग्राम चलाते हैं जिसका नाम है काशी। ये हमारा कंपनी का एक CSR एक्टिविटी है। ये हम करीब करीब पिछले 10 से 12 साल से प्रोग्राम चला रहे हैं, और सबसे पहले ये प्रोग्राम हमने आगरा से ही स्टार्ट किया था। तो उसके लिए राजेश गोयल जी, इनकी एसोसिएशन के जितने भी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं, पूरी एसोसिएशन, बहुत ही इन्होंने हमारे का साथ दिया है। इनके बिना हम ये काम शुरू नहीं कर सकते थे, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। बच्चों को हमने देखा है पिछले कुछ सालों से, कैसे प्रोत्साहित हुए हैं, कैसे कॉन्फिडेंस आया। तो मुझे लगता है कि हमारा पर्पस एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट देने का था ही, ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, लेकिन दूसरा जो हमारा पर्पस था कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस इनकलकेट किया जाए। जो हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है बच्चे भी बहुत खुश हैं, पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं, सोसाइटी बहुत अच्छा लग रही है। तो मेरी तरफ से प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं एक बार दोबारा धन्यवाद देना चाहूँगा सभी बच्चों का, पेरेंट्स का, जो यहाँ पर इतनी दूर से आए हैं, राजेश गोयल जी का, इनकी एसोसिएशन के पूरी मेंबर्स का, पूरी टीम का, जिनकी वजह से प्रोग्राम इतना कामयाब हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आज हमारी कहते हैं कि पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, तो आज किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी, नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स और अपना आगरा कोल्ड एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में जो हर वर्ष की भांति यहाँ जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, जो हमारे यहाँ कर्मचारी कार्यरत हैं, उन सब की जो 12 कन्याओं का आज हमने यहाँ पर 9th, 10th, 11th, 12th और जूनियर के भी कुछ लड़कियों को लेकर उनकी पढ़ाई के लिए जो आज व्यवस्था की गई है, सारी चीज़ें उनके लिए दी जा रही हैं, ये बहुत ही अच्छी है। और आज 5 सितंबर को हमने यहाँ पर अपनी शिक्षिका महोदया डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा जी का भी सम्मान किया है। तो आज शिक्षक दिवस पर ये बहुत ही एक सांकेतिक रूप में भी देखें और एक संयोग के रूप में भी देखें, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल चैम्बर, आगरा कोल्ड और किर्लोस्कर के द्वारा ये चलाया गया अभियान बहुत कामयाब हो, सफल हो और हमारी बच्चियाँ हमारे देश में नाम रोशन करें, यही हमारी कामना है। बेटियों को मंच से शिक्षण सामग्री वितरित करते हुए सभी पदाधिकारियों के चेहरों पर खुशी और चमक थी। पढ़ेगा भारत तो आगे बढ़ेगा भारत के स्वप्न को साकार करता यह कार्यक्रम मिसाल बन चुका है। इस दौरान शिक्षक दिवस पर सम्मानित हुई डॉक्टर विजय लक्ष्मी शर्मा ने भी इस आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ये शुभ अवसर है, जहां एक शिक्षक का कन्या विद्यार्थियों के साथ सम्मान किया गया है। निश्चित रूप से विद्यार्थियों के बिना शिक्षक और शिक्षक के बिना विद्यार्थियों और शिक्षा की परिकल्पना नहीं की जा सकती। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किर्लोस्कर कंपनी के प्रयास से कन्याओं के शिक्षण को इतना महत्व दिया जा रहा है। बहुत सत प्रयास है इनका और ये निरंतर चल रहा है। अच्छी बात यह है कि ये कोई ओकेजनल, ये एक वर्ष का कार्यक्रम नहीं है। मुझे यहाँ आके पता चला कि निरंतरता से चलने वाला कार्यक्रम है। प्रतिवर्ष कुछ कन्याओं को यहाँ से शिक्षा के लिए प्रोत्साहन दिया जाता है और आर्थिक योगदान भी उनके लिए दिया जाता है। उनको साइकिल इत्यादि सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं बहुत। और मैं नेशनल चैम्बर्स ऑफ इंडस्ट्रीज आगरा के पदाधिकारियों के लिए भी बहुत अच्छी बात है ये, बहुत उनके लिए प्रशंसनीय है कि आज उन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के लिए ये कार्यक्रम रखा। दोनों का मिलन जो उन्होंने किया है बहुत ही सुंदर किया है, क्योंकि शिक्षा, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों के बिना ही अधूरी है। इस दौरान किर्लोस्कर की पहल पर वक्ताओं ने और बेटियों ने भी अपने अपने उद्गार व्यक्त किए।